नमस्कार दोस्तों, मेरी इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसी ट्रिक बताने वाले हैं दोस्तों, जिससे दोस्तों आपके मोबाइल में कोई भी कॉल नहीं आएगी। दोस्तों मतलब आप अपने मोबाइल को फ्लाइट मोड में कर देंगे या एरोप्लेन मोड में कर देंगे, फिर भी आपके मोबाइल का इंटरनेट चलता रहेगा। जी हाँ दोस्तों, कई बार आपके साथ ऐसा होता होगा, आपके साथ ऐसा समय आता होगा जब आप कोई काम कर रहे होते हैं अपने मोबाइल में, इंटरनेट देख चला रहे होते हैं या कोई मूवी देख रहे होते हैं या कोई ऐसा ज़रूरी काम कर रहे होते हैं, और आपके मोबाइल में दोस्तों बार बार किसी का कॉल आ रहा है और आप डिस्टर्ब हो रहे हैं बार बार, तो आप ये ज़रूर सोचते होंगे कि कोई ऐसी ट्रिक या कोई ऐसी सेटिंग कर दें हम जिससे ये कॉल आनी बंद हो जाएं और हम अपना जो काम है दोस्तों मोबाइल में इंटरनेट का जो भी काम है दोस्तों वो काम भी हमारा आसानी से होता रहे। तो इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो को आप एंड तक और पूरे स्टेप ज़रूर देखें, क्योंकि हम इसमें आपको एक ऐसी ट्रिक बताएंगे दोस्तों जिससे दोस्तों आपकी ये समस्या जो है दोस्तों सॉल्व हो जाएगी। मतलब आपके मोबाइल में नेटवर्क नहीं रहेगा, फ्लाइट मोड में आपका मोबाइल रहेगा, एरोप्लेन मोड में आपका मोबाइल रहेगा, लेकिन आपके मोबाइल में कोई कॉल भी नहीं आएगी और आपके मोबाइल का इंटरनेट भी बराबर चलता रहेगा। इंटरनेट संबंधित जितने भी काम है दोस्तों आपके मोबाइल में बड़ी आसानी से होते रहेंगे। तो इसके लिए आपको इस ट्रिक को पहले देखना होगा, अच्छे से समझना होगा कि मैं किस तरह से करता हूँ। तो इसके लिए दोस्तों क्या करना है, हम सबसे पहले आपको करके दिखा देते हैं। आपको अपने मोबाइल में मैं दिखा देता हूँ, एरोप्लेन मोड में हम डाल देते हैं, मतलब फ्लाइट मोड में हम अपने मोबाइल को डाल दिए हैं। आप देख सकते हैं हमारे मोबाइल में ऊपर फ्लाइट मोड दिखाना शुरू कर दिया है। अब देखिए हम यहाँ से यूट्यूब चलाएँगे तो देखिए हमारा यहाँ पर ये देखिए ऑफलाइन करके आ रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर नो कनेक्शन आ रहा है, आप यहाँ पर देख सकते हैं नो कनेक्शन आ रहा है। ये देखिए यहाँ पे मतलब हमारे जो डाउनलोडेड वीडियो हैं, अभी देखिए जहाँ पे मैं यहाँ पे होम बटन पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे देखिए ऑफलाइन करके आ रहा है। अब आप ध्यान से देखिएगा, इसके बाद देखिए मैं अभी गूगल को भी ओपन करके मैं दिखा देता हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑफलाइन करके आ रहा है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑफलाइन आ रहा है। यहाँ पे ऊपर देखिए आप यहाँ पे नो इंटरनेट कनेक्शन दिखा रहा है। अब मैं आपको वो सेटिंग बता रहा हूँ जिससे दोस्तों जो आपके मोबाइल में करनी है, जिससे आपकी कॉल दोस्तों नहीं आएगी लेकिन आपके मोबाइल में इंटरनेट बराबर चलता रहेगा। तो आपको यहाँ पे देखिए आपके अपने मोबाइल में देखिए यहाँ पे अबाउट फोन पे आना है। अबाउट फोन में आने के बाद देखिए यहाँ पे दोस्तों एक चीज़ आपको ज़रूर बता देता हूँ कि जो बहुत पुराने मॉडल के मोबाइल हैं उन मोबाइलों में शायद ये फैसिलिटी ना मिले, तो जो नए मॉडल के मोबाइल अभी आ रहे हैं दोस्तों, जो न्यू मोबाइल आ रहे हैं उन सभी मोबाइलों में ये ऑप्शन आ रहा है। तो यहाँ पर सिंपली आपको स्टोरेज देखने को मिलेगा, तो इसके नीचे यहाँ पर देखिए आपको जैसे यहाँ पे स्टोरेज वाले ऑप्शन पे यहाँ पे क्लिक करेंगे, अबाउट फोन में जाएंगे, अबाउट फोन के बाद स्टोरेज में जाएंगे, तो स्टोरेज में जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए इस तरह से ये ओपन होगा। लेकिन यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको सिंपली ये देखिए ऑल स्पेस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ पे ऑल स्पेस वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे क्लिक करने के बाद देखिए नीचे आएंगे आपको एक इंटरनल स्टोरेज का ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो आपको ये इंटरनल स्टोरेज पे आपको इस तरह से 3 से 4 बार आपको जल्दी जल्दी से क्लिक करना है। जैसे आप 3-4 बार जल्दी जल्दी इसमें क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे आपको फोन इन्फॉर्मेशन 1, 2 और वाईफाई इन्फॉर्मेशन का ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो सिंपली जिस यहाँ पे मान लीजिए हमारा 2 सिम का मोबाइल है और जिस सिम के लिए हम अपना कॉल बंद करना चाहते हैं, मतलब जिस सिम को हमारे मोबाइल में तो अभी एक ही सिम लगी थी, लेकिन यहाँ पे जैसे आपकी डबल सिम है, आप डबल सिम है, अगर आपके मोबाइल में 2 सिम लगी हुई हैं तो आपको सिंपली सिम यहाँ पे सेलेक्ट करना, सिम 1 या सिम 2। तो अभी हमारे मोबाइल में जो सिम 2 के ऑप्शन पे हम यहाँ पे क्लिक करके और यहाँ पे आ जाते हैं। यहाँ पे आने के बाद देखिए आपको देखिए यहाँ पे एक देखने को मिलेगा मोबाइल रेडियो पावर, तो आपको ये मोबाइल रेडियो पावर को यहाँ से ऑन करना है। आप जैसे ही यहाँ पे ऑन करेंगे तो ऑन करने के बाद एक बार और आपको देखना है, ये आप देख सकते हैं शायद हमारी सिम 1 में लगी हुई है, तो हम यहाँ पे सिम 1 सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद देखिए यहाँ पे 3 से 4 बार आपको ऑन करना है। तो यहाँ पे जैसे ही हम देखिए अभी ऑन करते हैं तो ऑन करने के बाद हमारे बंद हो जाता है, तो यहाँ पे 2 से 3 या 4 बार आप इसको जब ऑन करेंगे तो आपका ये मोबाइल रेडियो पावर ऑन हो जाएगा। अब आप देख सकते हैं हमारे मोबाइल में यहाँ पे एरोप्लेन मोड आ रहा है, लेकिन अभी हम यूट्यूब वगैरह कुछ भी हम अपनी नेट या ब्राउजिंग कुछ भी करेंगे तो हमारा यूट्यूब वगैरह यहाँ पे बाकायदा से ओपन होगा। मतलब आप देख सकते हैं यहाँ पे अभी थोड़ा इंटरनेट स्लो चल रहा है, ये देखिए हमारा यूट्यूब यहाँ से ओपन हो गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे यूट्यूब हमारा ओपन हो गया है, मतलब हमारे मोबाइल में जो इंटरनेट है दोस्तों वो इंटरनेट भी हमारा यहाँ पे चलना शुरू हो गया है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ, कोई वीडियो प्ले करके दिखा देता हूँ। अभी हमारे मोबाइल में थोड़ा सा नेट स्लो चल रहा है दोस्तों, यहाँ पे नेट की प्रॉब्लम इस समय कुछ समय से काफ़ी ज़्यादा हो रही है। तो मतलब आप देख सकते हैं कि हमारा जो ये इंटरनेट है दोस्तों, इंटरनेट बड़े बढ़िया अच्छे से चल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है। और आपको मैं यहाँ पे YouTube के अलावा गूगल क्रोम को भी मैं यहाँ पे सर्च करके दिखा देता हूँ। ये अभी मैं दिखा देता हूँ आपको, ये देखिए इतनी ही सेटिंग करनी है, इसके अलावा आपको कोई भी सेटिंग